हेलो गाइस, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हूँ। और बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई है, समथिंग 13 से 14 दिन हो गए कि कोई भी वीडियो नहीं आई है, कोई भी अपडेट नहीं दिया है। तो एक तो पहली चीज़ तो ये कि टाइम का इशू है और टाइम नहीं मिल पाया, और दूसरा इशू ये कि कोई एक परफेक्ट टॉपिक भी नहीं है मेरे माइंड में कि जिस पर वीडियो बनाया जाए। तो मैंने जो भी कमेंट वगैरह देखे उसमें जो मुझे सजेस्ट हुआ कि किस टॉपिक पर वीडियो हो, तो वो वीडियो मुझे काफ़ी लोगों ने ये चीज़ पूछ रखी थी कि भाई वर्क परमिट जो होता है अगर 1 साल का है तो वो कैसे जो है आगे बढ़ेगा, और क्या प्रॉब्लम है अगर ख़त्म हो जाता है तो क्या हमें इंडिया वापस आना होगा। तो ये सब छोटे छोटे बड़े इशू हैं लोगों के माइंड में। तो मैंने सोचा चलो वर्क परमिट का जो भी ये मैटर है, ये हालांकि वीडियो बहुत सारी बना दी हैं वर्क परमिट से रिलेटेड, समथिंग 3 से 4 वीडियो बन गई हैं। तो सारी चीज़ें वर्क परमिट के रिगार्डिंग सारी कन्फर्म है, लेकिन ये चीज़ अगर है कोई लोगों के माइंड में तो आज इसको भी दूर कर देंगे। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और एक चीज़ बोलने चाहूँगा कि अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं जितने भी लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं कि मैं पोलैंड के रिगार्डिंग और जो जितनी भी सेंगेन कंट्री है उनके इन्फॉर्मेशन जो भी होती है अबाउट टू वीज़ा, अबाउट टू वर्क परमिट एंड हाउ टू वर्क इन यूरोप, समथिंग लाइक दैट, तो सारी इन्फॉर्मेशन की वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता हूँ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक कंट्री की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और किस तरीके से काम होते हैं, कितनी सैलरी होती है, सारी चीज़ों के बारे में। और आपके माइंड में कोई कोई पॉइंट है कोई किसी वीडियो के रिगार्डिंग अगर कुछ जानना चाह रहे हैं तो आप मुझे सजेस्ट करिए, कमेंट करिए, बताइए। और बायो में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ जाके मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए, वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम है कि किसी ने वर्क परमिट आपको फेक दे दिया है, कि आपकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, जो भी प्रॉब्लम है एक्स वाई जेड, तो आप मुझसे वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं आफ्टर फॉलो मी, ठीक है। और बहुत से लोग होते हैं फॉलो नहीं करते, मैसेज कर देते हैं। तो हालांकि अगर आप चाहते हैं कि मुझसे जुड़े रहें, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे आपको, तो मुझे फॉलो करना ज़रूरी होगा। खैर आइए आते हैं वीडियो पे। जैसा कि वर्क परमिट है, वर्क परमिट के अगर रिलेटेड हम बात करें, सबसे पहले एक चीज़ ये जान लें कि वर्क परमिट जो इंडिया में या किसी भी कंट्री में जो भी लोग हैं एशियन कंट्री में मोस्टली उनको जो वर्क परमिट मिल रहे हैं, तो उनका सबसे पहला ये ध्यान रख वो किसी को चेक जरूर करा लें कि कुछ फेक तो नहीं किसी तरह का, ठीक है, किसी ने फेक वर्क परमिट तो नहीं दे दिया। दूसरा, वर्क परमिट का ये भी एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि भाई वर्क परमिट अगर आपको जो मिल रहा है तो उस वर्क परमिट जिस भी कंपनी के थ्रू निकला हुआ है, जिस भी ब्रांच से निकला हुआ है, जिस भी फील्ड का वो वर्क परमिट है, तो उसको ये देखो कि वो करंट में वो चीज़ रनिंग में है, वो चीज़ काम कर रही है क्या। अगर ऐसी चीज़ मान लीजिए वर्क परमिट आपको मिला हुआ है किसी भी कंपनी का और वो चीज़ यहाँ पे काम नहीं कर रही, तो भाई वो वर्क परमिट पर आपका जो है रिजेक्शन आ जाएगा, इट मीन्स के वीज़ा रिजेक्शन, ठीक है। तो जो भी आपको वर्क परमिट मिल रहा है उसके बारे में पूरी स्टडी करें, उसके बारे में पूरी नॉलेज लें, उसके बारे में पूरा जानें, ठीक है। अगर जो जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो मैंने ये चीज़ हमेशा वार्निंग की है, वार्निंग दी है कि भाई वर्क परमिट बहुत मेन चीज़ है, उस पर ही आपका वीज़ा लगता है, उस पर ही आपको काम मिलता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है आफ्टर ऑफर लेटर वर्क परमिट है भाई, ठीक है। तो वर्क परमिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि आज के स्कैम के टाइम में भाई स्कैमर बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, तो उनसे बहुत सेफ रहना, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करनी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई पड़ी हैं वीज़े को लेके, अपॉइंटमेंट को लेके। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान किसी भी संग में, किसी भी भाई के संग में कोई किसी भी तरह का कोई फ्रॉड हो, कुछ भी हो, तो इसलिए सारी चीज़ मैं बोलता हूँ अपनी हर एक वीडियो में, ठीक है। तो भाई बात हमारा वीडियो का टॉपिक जो है वो वर्क परमिट का जो डेट टाइम होता है, एक फिक्स टाइम होता है, वो कैसे एक्सटेंड होता है, आगे कैसे बढ़ता है, ठीक है। तो उसके बारे में जानेंगे हम। तो मैंने सारे अपने आपको आपको बता दिया है कि मतलब जो मेरे सोशल अकाउंट है वो मैंने बता दिया, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, सबके बायो में भी लिंक है, आप उस पर जाकर मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो वर्क परमिट, ठीक है भाई। तो वर्क परमिट मान लीजिए, वर्क परमिट तीन तरह के टाइमिंग, तीन तरह की आती है वर्क परमिट पर, ठीक है। जो वर्क परमिट होते हैं काम के लिए हम आते हैं जिन पर, ठीक है, वो वर्क परमिट तीन तीन टाइम होती है, टाइमिंग होती है। पहला होता है 1 साल का, दूसरा होता है 2 साल का, और तीसरा होता है 3 साल का, ठीक है। ये 3 साल ये इस तरह के टाइम होते हैं, इनमें से आपको कोई भी टाइम मिल सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर जानने वाली ये कि भाई कोई भी अगर एजेंट आपको ये बोल रहा है कि मैं आपको 3 साल का वर्क परमिट दे रहा हूँ इसलिए पैसे ज़्यादा ले रहा हूँ, तो भाई उससे बोलो कि भाई हमें 3 साल का वर्क परमिट नहीं चाहिए, हमें 1 साल का ही वर्क परमिट तुम दे सकते हो, ठीक है। हालांकि वर्क परमिट पर टाइम ज़्यादा होता है तो उसके बेनिफिट है, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपके वर्क परमिट पर 2 साल का टाइम है और आपकी फ़ाइल किसी वजह से या अपॉइंटमेंट की वजह से आपका टाइम ज़्यादा लग गया, ठीक है, तो जब आपकी फ़ाइल मान लीजिए एम्बेसी में सबमिट होने के बाद में, जैसे मान लीजिए एक अभी आपका वर्क परमिट आया, उसके बाद 8-9 महीने बाद आपकी अपॉइंटमेंट आई, अपॉइंटमेंट के बाद आपकी फ़ाइल सबमिट हुई, अब 2 से 3 महीने वर्क परमिट में रह गए, तो कभी कभी इस बेसिस पर भी जो है रिजेक्शन आ जाता है अगर वर्क परमिट में आपका एक्सपायर डेट के पास में ये बिल्कुल, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा मसला क्रिएट करता है। तो इसलिए अगर 2 साल 3 साल का मिल रहा है, पैसे ज़्यादा नहीं जाएं,
ठीक है, कोई क्योंकि बहुत से एजेंट होते हैं कि भाई मैं 9 लाख रुपए ले रहा हूँ और आपको 3 साल का वर्क परमिट दे रहा हूँ, ये सब बातें बोल के वो बोलते हैं, ठीक है, कि दूसरे लोग 1 साल का देते हैं, हम 3 साल का दे रहे हैं। तो भाई वो वर्क ईयर मतलब टाइमिंग का कोई फर्क नहीं है वो, इसलिए क्योंकि मेन चीज़ ये है कि यहाँ यूरोप में आप किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, स्पेशली मैं बात करूँ पोलैंड में, पोलैंड में क्या होता है, अगर आपका 1 साल का वर्क परमिट भी है, ठीक है, तो 1 साल का वर्क परमिट आप जब काम करोगे तो जैसे ही आपका एक्सपायर होने वाला होगा 1-2 महीने पहले, जिसके भी अंडर काम करते होगे, वो क्या करेगा, मैं किसी कंपनी में काम करते हो, वो क्या करते हैं कि आपसे कोई भी बिना चार्ज के, मतलब कोई भी पैसा बिना लिए, ठीक है, उस वर्क परमिट को अगले टाइम का टाइम बढ़ा देते हैं, आपको न्यू वर्क परमिट दे देते हैं। मान लीजिए अगर 1 साल का है तो वो आपको 2 साल का वर्क परमिट दे देगा, ठीक है, बिना कहे। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ तो मैं भाई कभी भी कंपनी में मुझे 2 साल काम करते हुए होगा, मुझे कभी भी ये चीज़ कहना भी नहीं पड़ता हमें कि वर्क, हमें पता भी नहीं है, जरूरत तो पड़ती नहीं है वर्क परमिट कहीं पर भी हमें तो यहाँ पे, लेकिन ये है कि वो खुद ही हमारा जो भी बॉस है वो, जैसे मान लीजिए किसी हमारा किसी किसी भी हम 8-9 तो 12-13 बंदे हो गए और बंदे भी आ गए, तो किसी बंदे का भी अगर मान लीजिए एक्सपायर होने वाला है बीच में, तो वो हमें वहीं पे, हम जो हमारा फील्ड है वर्किंग फील्ड, वहीं पे भी किसी ना कभी किसी को वर्क परमिट दे रहा है कि भाई तेरा पकड़, तो उसका क्या होता है, उसका एक्सपायर होने वाला होता है, उसको पहले ही वो दे देता है। तो स्टार्टिंग में मैं 1 साल के बाद 1 साल का वर्क परमिट दिया, अभी हमें 3 साल का वर्क परमिट दे रखा है, मुझे 3 साल का वर्क परमिट मिला हुआ है मुझे, तो ये वर्क परमिट हम ये स्पेशली ऑफिस नहीं क्या कहने के लिए कि भाई वर्क परमिट हमारा एक्सपायर होने वाला है, वर्क परमिट दे दीजिए, वो खुद ही ध्यान रखते हैं, खुद ही वो दे देते हैं इस चीज़ के लिए। तो वर्क परमिट भाई एक्सपायर होने के बाद में ना ही कोई पैसा जाता है और ना ही कोई मुश्किल होती है, ना ही कोई प्रॉब्लम होती है, ना ही किसी के हाथ पैर जोड़ना पड़ते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से वो हमें खुद ही दे देते हैं वर्क परमिट। तो भाई इसका मतलब ये है कि अब जो लोग इंडिया में कह रहे हैं कि भाई मैं 3 साल का दे रहे हैं, 5 साल का दे रहे हैं, तो वो भाई बेकार की चीज़ है। अगर वो 2 साल का दे रहे हैं, 3 साल दे रहे हैं, वो सही है, ठीक है, ज़्यादा टाइम है उसके अंदर, वो सही है, लेकिन उसके में अगर आप वो पैसे मांग रहा है तो वो गलत चीज़ है, क्योंकि भाई वर्क परमिट यहाँ आने के बाद आप जिस भी कंपनी, कोई भी कंपनी ज्वाइन करोगे, तो आप वहाँ पर अगर फिर से उनको बोल दो कि वर्क परमिट हमारा भाई 6 महीने अभी मुझे एक वर्क परमिट और बना कर दे दो, तो वो फिर बना कर दे देगा तुम्हें, कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है, 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा उसमें, जो वर्कर जो काम कर रहे हैं उनके लिए 10 से 15 दिन का टाइम मिलेगा, वर्क परमिट आपका बन के आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सटेंड मतलब आगे बढ़ने की, जो वर्क परमिट की आगे डेट बढ़ाने की बात जो लोगों के माइंड में है कि कैसे होती है, क्या बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, हमें इंडिया ना हो, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको वर्क परमिट एक्सपायर हो गया है या आपको कहीं पे ऑफिस में जाना है या आपको कोई प्रोसेस करने हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाने हैं, फाइल लगाना, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आप जिस जगह काम कर रहे हो, जिस जगह का वर्क परमिट है, वहाँ पे आपके ऑटोमेटिकली जो भी स्टाफ होगा डॉक्यूमेंट वाला, ठीक है भाई, जो डॉक्यूमेंट देखता होगा, आपके एचआर होगी या होगा कोई भी होगा, वो इस चीज़ को, उसका काम ही यही होता है, ठीक है भाई। तो वो सबसे, सब जितने बंदे वर्क का काम कर रहे हैं उन लोगों की सारी डिटेल लगता है कि इसका वर्क परमिट कब एक्सपायर होने वाला है, ठीक है भाई। तो उसका यही काम है भाई, जैसे जिसका भी एक्सपायर होने वाला होता है, मतलब करीब होता है एक्सपायर होने के, उसका वर्क परमिट वो बना के उसको दे देते हैं, ठीक है। देर भी खुद ही आते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं तुम्हें ऑफिस में जाना होगा, वो करना हो, कुछ नहीं, खुद ही मिल जाता, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि इंडिया में जो एजेंट लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, वो लोग इस चीज़ को बोलते रहते हैं, समझ रहे हो, कि ऐसा उनके ऐसा वैसा के 3 साल का वर्क परमिट दे रहे हैं, 9 लाख रुपए ले रहे हैं, या 5 साल का वर्क परमिट दे रहे हैं, 1 करोड़ रुपये ले रहे हैं। तो इन चीज़ों चक्कर में ना पड़ना भाई, 1 साल अगर तुम्हें लग रहा है कि हमारा, हम वर्क परमिट मिलने के बाद हम 8-9 महीने में अपना सारा प्रोसेस करा लेंगे, तो 1 साल का वर्क परमिट बहुत होता आएगा, ठीक है भाई। तो जो कन्फ्यूजन थी वो मैंने बहुत ही साधारण शब्दों में समझा दी है, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो भाई जो भी लोगों के क्वेश्चन कमेंट थे वो मैंने उस पर वीडियो बना दिया है, नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे कमेंट में जो भी वीडियो चाहिए आपको कमेंट में वीडियो बताइए कौन सी वीडियो चाहिए आपको, और मुझे, और मेरी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, समथिंग 180-81 वीडियो हो गई हैं अब तक, और पोलैंड के रिगार्डिंग भी हैं कुछ, इसके हटके भी हैं, तो और बहुत सारी वीडियो अपकमिंग है। तो बने रहिए चैनल पर, सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।